आज हम कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न पहले का तीसरा करेंगे और इसका प्रश्न ही विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है भाग देकर, और भाग देने के पहले हम इनको मानक रूप में जमाएंगे, मतलब घातांक के रूप में जमा लेंगे। तो px वाली जो संख्या है, जो बहुपद है, वह तो सही जमा हुआ है मानक रूप में, क्योंकि सबसे बड़ी घात आगे है, उसके बाद कम घात वाले, फिर अचर पद है। लेकिन जो gx वाला पद है, इसमें पहले अचर पद आ गया और फिर x की घात 2 है, तो हमें इसे मानक रूप में जमाना पड़ेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो px है x की घात 4 ऋण 5x धन 6, और gx में हम पहले घातांक वाला लिखेंगे, तो ये ऋण का x की घात 2 है, तो हम लिखेंगे ऋण की x की घात 2 धन 2। ठीक है, धन का 2 है क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं, मतलब ये धन है। अब हम भाग लगा देते हैं, तो x की घात 4 ऋण 5x धन 6 में हमें भाग लगाना है ऋण x की घात 2 धन 2 का। तो जैसे कि हमने पहले के सवाल कर रहे हैं, भाग लगाने के लिए हम इनके आगे की संख्या देख लेते हैं। तो इसकी जो पहली संख्या है x की घात 4 है, मतलब हमें भाग लगाने के यहाँ x की घात 4 चाहिए। तो हमारे पास जो इधर आगे वाली संख्या है जिसका हम भाग लगा रहे हैं, उसके भी आगे वाली संख्या या पद देखेंगे और यहाँ पे भी आगे वाला देखेंगे। हमें x की घात 4 चाहिए, यहाँ पे x की घात 2 है, तो इसमें ऐसी किस संख्या या पद का गुणा कर दे कि हमें x की घात 4 मिल जाए। तो हम किसका गुणा कर देंगे, तो x की घात 2 है, यदि हम x की घात 2 का गुणा कर देंगे तो x की घात 4 हमें मिल जाएगी, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है। तो हम x की घात 2 का गुणा कर देंगे, और हमें यहाँ पे धन चाहिए, धन वाली चाहिए, और ये ऋण है, तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो हमें धन मिल जाएगा। मतलब हम यहाँ ऋण x की घात 2 का यदि गुणा करेंगे तो हमें x की घात 4 मिल जाएगी। तो हम यहाँ रफ में करके देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम ऋण x की घात 2 धन 2 में यदि ऋण x की घात 2 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, मतलब धन का हो जाएगा। और x की घात 2 में x की घात 2 का गुणा करेंगे तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी और ये x की घात हो जाएगी 2 और 2 4। अब इस ऋण का इस धन में गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और x की घात 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 मिल जाएगा, तो हमें ये संख्या मिलेगी। तो चलो हम लिख देते हैं, x की घात 4 ऋण 2x की घात 2। तो यहाँ x की घात 2 वाला पद नहीं है, देखो यहाँ x की घात 2 वाला तो पद है ही नहीं, तो हम इस पद को हम यहाँ अलग से लिख देंगे क्योंकि नीचे आएगा। तो ऋण 2x की घात 2 हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि x की घात 2 वाला कोई पद यहाँ नहीं था। अब हम इनको घटा देंगे, घटाने के लिए क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो धन का है तो ये ऋण का हो गया, ऋण का है तो धन का हो गया। अब x की घात 4 से x की घात 4 घट जाएगी, मतलब आपस में कट जाएगी क्योंकि धन का और ये ऋण का है। अब यहाँ पे आ गया है ऋण 5x धन 6, इनके चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि इनके नीचे कोई संख्या नहीं आई थी, इसका बदल जाएगा। तो ये धन 2x की घात 2 है, इसे हम कहाँ लिखेंगे, तो हम इसे मानक रूप में लिखने के लिए हम इसे कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे 2x की घात 2। अब हमारे पास जो अगली संख्या आ गई है 2x की घात 2 ऋण 5x धन 6, तो अब हमें क्या चाहिए, आगे वाला पद देखेंगे 2x की घात 2, तो हम ऐसे किस संख्या का गुणा x की घात 2 में करें कि 2x की घात 2 हमें मिल जाए। तो हम किसका गुणा कर देंगे, तो ये ऋण का है तो हमें तो यहाँ धन वाली चाहिए, तो हम ऋण का ही गुणा कर देंगे तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, और यदि 2 का गुणा कर देंगे तो 2x की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ रफ में एक बार करके देख लेते हैं, ऋण x की घात 2 धन 2 में यदि हम ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण हो गया धन, 2 का x की घात 2 में करा तो 2x की घात 2, फिर ऋण का धन में करा तो ऋण, और 2 का 2 में करा तो 4। ठीक है, तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी, इसे हम लिख देंगे 2x की घात 2 ऋण के 4, तो ऋण के 4 हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, संख्या के नीचे संख्या और x वाले पद के नीचे x वाला पद आएगा, x की घात 2 वाले पद के नीचे x की घात 2 वाला पद आएगा। तो हम घात के मान से इनको लिखते हैं, अब हम इसको घटाएंगे, मतलब इनके चिन्ह बदल देंगे, तो ये ऋण का हो जाएगा या धन का, ये आपस में कट जाएंगे धन ऋण वाले। अब यहाँ क्या बचा है, ऋण 5x
और धन के, 6 और 4 दोनों धन के हैं, तो दोनों जुड़ गए, हो गए 10। अब क्या और भाग दे सकते हम? तो यहाँ पे 5 एक्स आ गया और यहाँ एक्स की घात 2 है, तो यहाँ छोटी घात आ गई। अब छोटी घात यदि आ जाती है भाग देते हुए, यदि छोटी घात वाली संख्या आ जाती तो अब भाग हम नहीं दे सकते हैं, अब भाग नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अब भाग नहीं होगा, मतलब ये शेषफल मिल गया। भागफल और शेषफल दोनों मिल गए हैं, तो हम लिख देंगे भागफल, भागफल बराबर ऋण एक्स की घात 2 ऋण 2, शेषफल, शेषफल बराबर ऋण 5 एक्स धन 10। ठीक है, तो ये हमारा, यह हमारा हो गया है उत्तर, यह हमारा उत्तर हो गया है। और यह हमने यहाँ रफ कार्य करा था समझने के लिए। इस प्रकार ये पूरा सवाल हल हो गया है।